हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डबल लेयर चिकन बिरयानी। ये बहुत ही लाजवाब और स्वाद से भरपूर बनेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की मज़ेदार चिकन बिरयानी रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए हमने बासमती चावल लिए हैं 500 ग्राम। इसे दो से तीन बार धो लेना है ताकि इनका स्टार्च खत्म हो जाए और बनाते समय ये चिपके नहीं। चावलों को आधे घंटे के लिए जरूर भिगोएं। बिरिस्ता बनाने के लिए 400 ग्राम प्याज फाइन स्लाइस करके अलग अलग लेयर्स कर लें। इसे फ्राई करेंगे। पैन में एक कप ऑयल डालें। तेल गरम होने पर एक या दो स्लाइस प्याज के डाल कर देखें कि तेल गरम है तो इसमें स्लाइस प्याज डाल दें। इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसे स्टर करेंगे इवन कुकिंग के लिए लगातार 12 से 15 मिनट लगते हैं। देखिए ये कलर आ गया है। इसे टिश्यू पेपर पर जल्दी से बाहर निकाल लें क्योंकि प्याज में कैरी ओवर कुकिंग होती है। इस तरह सब स्लाइस अनियन को फ्राई कर लें। ये ठंडे होने पे क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए बिरयानी के लिए बरिस्ता तैयार है। बर्तन में हमने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया 2 से 2.5 लीटर, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, 5 से 6 दाने काली मिर्च के, 1 हरी मिर्च चीरा लगाकर, साथ में नमक 1.5 टेबल स्पून। पानी का टेस्ट खारा होना चाहिए। इसे कवर कर दें, पानी में बॉयल जल्द आ जाए। बिरयानी के लिए हैवी बेस बर्तन में 3/4 कप तेल लिया है। तेल गरम होने पर फ्लेम मीडियम कर दें। शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 4 हरी इलायची, 3 लौंग, 5 दाने काली मिर्च के, 1 टुकड़ा जावित्री और शाही जीरा 1 टीस्पून। साथ में डालें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लें। फ्लेम को लो कर दें। ऐड करेंगे मिर्च मसाले 1.5 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आता है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे तीखापन मिलता है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब को मिक्स करके भून लें। साथ में मिलाएंगे बरिस्ता फ्राई की हुई प्याज। इसमें से हम थोड़ा बचा लेंगे जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करें और शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज टमाटर प्यूरी, जिसे ब्लेंडर में फाइन पीस लिया है। इसे पकाना है एक अच्छे फ्लेवर और टेक्सचर के लिए, इसलिए इसे कवर कर देते हैं फ्लेम लो मीडियम। देखिए टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन के पीसेस 600 ग्राम वजन में। ये चावल से 100 ग्राम ज्यादा है। ध्यान दें चिकन पीसेस का वजन चावल के वजन से कम नहीं होना चाहिए, या बराबर हो या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब मिला दें नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज्यादा ना हो। साथ में डालें नींबू का रस 1 टेबल स्पून और 3 हरी मिर्च साबुत। कवर कर दें और चिकन को पकने दें फ्लेम लो मीडियम। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब शामिल करेंगे दही 200 ग्राम, हरा धनिया कटा हुआ और 8 से 10 पत्ते पुदीना डालें। अच्छे से मिक्स करें, कवर करके पकाएं। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। अब ऐड करेंगे पानी 1 कप या थोड़ा ज़्यादा ताकि चिकन तले पे ना चिपके। मिक्स करें, कवर करें और थोड़ा इसे और पकाएंगे फ्लेम लो। 5 मिनट बाद कवर हटाते हैं। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, किचन महक रहा है। चिकन 85-90% बन गया है। फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे कवर कर दें। चिकन मसाला रेडी है, इसे साइड में रख दें। चावल के पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। खड़े मसाले बाहर निकाल दें, इनके सारे फ्लेवर पानी में आ गए हैं। मिला दें 2 टेबलस्पून ऑयल और 1/2 नींबू का रस। इससे चावल बिखरे बिखरे बनते हैं। अब शामिल करेंगे भीगे हुए चावल। डबल लेयर बिरयानी बना रहे हैं इसलिए चावल को हाफ कुक करना है, मतलब 50% तक पकाएं। चावल 50% तक कुक हो गए हैं, फ्लेम ऑफ कर दें।
चावल को स्ट्रेन कर लेते हैं। फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हाफ चिकन मसाला एक बाउल में निकाल लें, साथ में ग्रेवी भी। इसी हैवी बेस बर्तन में जिसमें चिकन मसाला है उस पर चावल की लेयर लगाएं। ऐड करें थोड़ा हरा धनिया की पत्तियां, 8 से 10 पत्तियां पुदीने की, थोड़ा तले हुए प्याज। अब इस पर बिछा दें चिकन मसाला हाफ, जिसे हमने एक बाउल में निकाला था ग्रेवी के साथ। लास्ट में बिछाएं चावल, अच्छे से स्प्रेड करें। इस पर डालें हरा धनिया, 8 से 10 पत्तियां पुदीने की, तली हुई प्याज, सबको अच्छे से फैला कर डालें। साथ में डालें 8 से 10 टेबलस्पून घी। आप तेल भी डाल सकते हैं जिसमें प्याज तले थे। साइड साइड में और बीच में अच्छे से घी या तेल डालें। अब डालें ये ऑरेंज कलर। इसमें हमने 4 टेबलस्पून पानी लिया है और 2 टीस्पून केवड़ा वाटर, और ऑरेंज कलर लिया है 1/4 टीस्पून। सबको मिक्स कर लें। इसे कवर कर दें और पकाएंगे 15 से 17 मिनट तक। फ्लेम ऑन कर दें 1 मिनट के लिए, हाई फ्लेम फिर लो फ्लेम कर दें। इसे दम पर पकाएंगे। इस तरह से डबल लेयर बिरयानी बनाने से चावल में मसाला सबको मिलता है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। बिरयानी रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चावल भी बिखरे बिखरे हैं। देखिए चावल पक गया है। फ्लेम ऑफ कर दें, वापस इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर डिश आउट करेंगे, इसे टच ना करें, सेट होने दें। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए लाजवाब और स्वाद से भरपूर डबल लेयर चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। इस तरह से बनाएंगे और आप अपनी तारीफ खुद पाएंगे। ज़रूर ज़रूर बनाएं, सबको पसंद आएगी, गारंटी है। और कमेंट करके बताएं कि ये कैसे बनी। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें।